हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है, अभी खबर आई है, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आरपीएफ की जो नई वैकेंसी है, इसके लिए मैंने आपको वीडियो डाल दिया था कब तक आपकी वैकेंसी आएगी और कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन खबर ये आ रही है कि अब 10,000 पदों पर भर्ती नहीं होगी, अब 14,000 प्लस पदों पर भर्ती होगी आपकी। ये सारी चीजें मैं आप सबको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है आप सभी स्टूडेंट्सों का आ रहा है कि 10,000 नहीं 14,000 प्लस पर भर्तियां होंगी या नहीं, ये इसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं आप सबको बता दूं, जी हां, 10,000 नहीं 14,000 होंगे, जिसमें से 4,000 प्लस पद जो होंगे आपके, ये आरपीएफ एसआई के होंगे। किसके होंगे? आरपीएफ एसआई के होंगे। और लगभग 10,000 इसमें कांस्टेबल के होंगे। किसके होंगे? कांस्टेबल के होंगे, इस बात को याद रखिएगा। और इसके जो फॉर्म की बात करें तो 15 अगस्त तक आपका कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर के पहले वीक में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये आप सभी के लिए सबसे खुशखबरी की बात है। और एक बात मैं आप सबको और बता दूं, परीक्षा को लेकर के बात, ठीक है, कब होगी परीक्षा? तो परीक्षा आपकी 2022 में नहीं होगी, ये कन्फर्म है। जनवरी 2023 में इसके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यही सारी चीजें आपको बतानी थी। और आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा तैयार किया हुआ, हमारे विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया हुआ नोट्स अगर आपको चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर आपका नंबर चल रहा है 6394-5952 पर अपना नाम, कोर्स का नाम लिख करके व्हाट्सअप करिए। बिल्कुल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिलेगा, एक एक टॉपिक क्लियर किया हुआ। देखिए, आप सबको पता है कि आरपीएफ में जो आपका सिलेबस होता है क्या होता है? रीजनिंग होता है, ठीक है। रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 35 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? जनरल अवेयरनेस से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। और मैथ से आपके आते हैं 35 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल आपके 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 नंबर के भी होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होता है, इस बात को याद रखिएगा। ये मैं थोड़ा जल्दी में आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और 1/3 का आपका माइनस मार्किंग भी होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करिए। और इसका एग्जाम जो होगा आपका, ठीक है, मैंने आपको बताया जनवरी 2023 में, उससे पहले यह संभव नहीं है कि इसका एग्जाम आपका हो। लेकिन 2023 में यह भर्ती पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको ट्रेनिंग पर भी भेज दिया जाएगा दिसंबर 2023 तक, क्योंकि आप सबको पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। और उसके पहले आप सभी ने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले पीएमओ ऑफिस से, उसके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था कि आने वाले अगले 1.5 साल में लगभग 10 लाख नौकरियां आप सभी को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, उसी के अंतर्गत यह भी आपका सेंट्रल लेवल का जॉब है, ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अभी से तैयारी में लग जाइए, बहुत अच्छी नौकरी है। और रेलवे की कोई भी नौकरी हो, छोटी से छोटी नौकरी, बड़ी से बड़ी नौकरी, राजा की नौकरी मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और राजा की नौकरी भी होती है, तमाम सुख सुविधाएं आपको दी जाती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। तो इसका तैयारी आप लोग जबरदस्त बनाए रहें, ठीक है। और इसके नोट्स के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। नाम मात्र के शुल्क पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्लासेज आपकी लाइव डेली चल रही है, मैथ्स की लाइव क्लासेज, रीजनिंग की लाइव क्लासेज, जीएस की लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी, ठीक है। तो सारी चीजें एक बार कंसंट्रेट होकर के, एक सीट अगर आपको लेनी है, अपने जीवन को अगर सफल बनाना है तो एक सीट आपको जरूर लेनी होगी। कोविड के इस समय में दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जिनके पास नौकरियां थी, सरकारी नौकरियां, और जिनके पास सरकारी नौकरियां नहीं थी, उन दोनों की अगर आप तुलना करोगे तो आप इस कोविड के समय में आप समझ गए होगे कि सरकारी नौकरियों का कितना लाभ था और जिनके पास सरकारी नौकरियां नहीं थी कितना लाभ उनको था। जिनके पास सरकारी नौकरियां थी, बैठे हुए घर पर पैसा आता था, कोई टेंशन नहीं है। तो सरकारी जॉब एक सीट सिर्फ आपको लेना है, सीटें कितनी है इससे मतलब नहीं है, सीट आपको सिर्फ एक चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करना है। यही मैं आप सबको बताने आया हूं। मिलेंगे हम लोग अपनी क्लास में अगले नोटिफिकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।